आज से मैं क्लास 11 का चैप्टर दैट इज प्लांट किंगडम जो कि चैप्टर नंबर 3 है वो स्टार्ट करने जा रही हूँ. इससे पहले चैप्टर नंबर 1 आई कंप्लीटेड एंड चैप्टर नंबर 2 वाज आल्सो कंप्लीटेड. अब चैप्टर नंबर 3 जो है वो बहुत लंबे समय के बाद स्टार्ट हो रहा है क्योंकि कुछ ऐसे कारण थे जिसके कारण मैं क्लास 12th का भी और 11th का भी सिलेबस बीच में मुझे इनकम्प्लीट थोड़े समय के लिए छोड़ना पड़ा. लेकिन आई विल बी कंटिन्यूइंग दिस टाइम ऑफ क्लास 11 एज वेल एज ऑफ 12th लेवल. तो अब हम स्टार्ट करते हैं दिस प्लांट किंगडम से. और प्लांट किंगडम में फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू कि प्रीवियसली अप टिल नाउ व्हाट वी हैड डन, वी कंप्लीटेड विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. जो भी क्लासिफिकेशन हमने देखी तो उसमें सबसे जो रिलायबल सिस्टम था विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दैट वॉज रिप्रेजेंटिंग द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने पढ़ा किंगडम मोनरा एंड वी ऑल्सो कंप्लीटेड किंगडम प्रोटिस्टा एंड देन मैंने किंगडम फंजाई वी कंप्लीट किया था विथ ऑल होल ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव साइकिल्स ऑफ फंजाई. और उसकी जितनी भी क्लासिफिकेशन थी वो सब मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में अपने लोड की हुई हैं, ऑल दे आर पोस्टेड. और अब हम स्टार्ट करेंगे किंगडम प्लांटी एंड आफ्टर दैट वी विल बी कॉन्टिन्यूइंग विद दिस किंगडम एनिमिलिया. तो विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज फॉलोड एंड इट वॉज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ करेक्टरिस्टिक्स जैसे कि सेल टाइप, सेल ऑर्गेनाइजेशन एंड न्यूक्लियस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन. ऑल दीज वर डिफरेंट क्राइटेरिया दैट वर कंसिडर्ड बाय विटेकर वाइल क्लासिफाइंग द ऑर्गेनिजम्स. और जिसमें सबसे ज़्यादा रिलायबल कौन सा माना गया था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है, तो उसमें वैन दीज क्राइटेरिया वर कंसिडर्ड जस्ट बिफोर दैट, इससे पहले जो भी किंगडम प्लांटी में था किंगडम प्रोटिस्टा एंड फंजाई एंड मोनरा ऑल दे वर इंक्लूडेड अंडर द प्लांटी के अंदर ही उनको इंक्लूड किया गया था बेस्ड ऑन द सेल वॉल, क्योंकि इन सब में सेल वॉल थी. चाहे सेल वॉल की कंपोजिशन एंड नेचर वॉज डिफरेंट इन ईच ऑफ द किंगडम बट लेटर ऑन दे वर सेपरेटेड, बाद में उनको सेपरेट कर दिया गया. एंड द साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी दैट वॉज इनिशियली placed under the kingdom planti is no more algae these days. Now it has been assigned separate kingdom under the bacteria that is cyanobacteria. इसको भी अलग से कर दिया गया है. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक स्टार्टिंग से एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ किंगडम प्लांटी को डिफाइन करने के लिए. किंगडम प्लांटी जैसे कि फेमस विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली किंगडम प्लांटी इज पॉपुलर नेम. आज हम देखते हैं किस तरह से किंगडम प्लांटी को कैसे क्लासिफाई किया गया है और जितनी भी इसकी क्लासिफिकेशन में इसके वॉट एवर डिविजन्स आर देयर एंड वॉट एवर क्लासेज आर देयर और उनसे रिलेटेड जितने भी मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं वो हम एक एक करके अब हम स्टडी करेंगे. तो अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को हम फिर से स्टार्ट करते हैं. जैसे कि मैंने अपने लास्ट के लेक्चर्स में भी बताया कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज एडॉप्टेड बाई दी साइंटिस्ट ऑफ प्रीवियस टाइम, जिसमें आई टॉक्ड यू अबाउट दी अरिस्टोटल. अरिस्टोटल ने क्या नाम दिया था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के दौरान, उसने प्लांटी को किसमें बेस्ड ऑन देयर हैबिट ही डिवाइडेड द प्लांटी इन टू आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली प्लांटी किंगडम प्लांटी वॉज डिवाइड प्लांट्स वर डिवाइडेड इन टू अंडर शर्ब्स और मीडियम हाइट प्लांट. हर्ब्स तो सबसे छोटे होते हैं, फिर अंडर शर्ब्स थोड़े से बड़े और शर्ब्स मीडियम हाइट एंड देन ट्रीज. तो इस बेसिस पे प्लांटी को उसने डिवाइड कर दिया अरिस्टोटल ने. ही वॉज ए फादर ऑफ जोलॉजी एंड एनिमल्स को ही डिवाइडेड इनटू द प्लांट एनिमल्स विदाउट आरबीसी देवर पुट अंडर द एनिमा. उनको एनिमा में रखा गया, एक ग्रुप एनिमा बोला. और द ऑर्गेनिज्म विद आरबीसी देवर पुट अंडर अ मेजर ग्रुप दैट वॉज कॉल्ड द एनिमा. बट दीज वर ओनली टोटली आर्टिफिशियल वन, जिससे क्या था कि डिस्टेंटली रिलेटेड करेक्टर्स वर प्लेस टुगेदर एंड द कॉमन
जो इंटरेक्टिव जो जितने भी रिलेटेड थे ऑर्गेनिजम्स दे वर सेपरेटेड अपार्ट, तो ये भी डिस्कार्ड किया गया. एक और साइंटिस्ट था थियोफ्रास्टस, हु वाज फादर ऑफ बॉटनी, उसने भी क्या किया, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली प्लांट्स को हर्ब्स में, शर्ब्स में, एंट्रीज में डिवाइड किया. तो ये तो बाद में डिस्कार्ड कर दिए गए. एंड लेटर ऑन देयर केम ए नेक्स्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जिसके अकॉर्डिंगली, व्हाट वाज द डेथ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दैट वाज बेस्ड ऑन वन मोर आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय सी लीनियस, कैरोलस लीनियस. He was father of taxonomy, father of nomenclature, as well as father of binomial nomenclature. इसने भी बहुत सारी contribution की हुई हैं हमारी taxonomy में. तो उसने क्या किया, based on morphological characters, only external characters of plants को consider किया. जैसे हम कह लें different parts of a plant, mainly if he considered the leaves, leaves को consider किया, number of leaves, structure of leaves and shape of leaves were considered, number of leaves, structure and their shapes, all they were considered. Ye sab structure of leaves were considered during that time. And but this system was also discarded. Kyun discard kiya gaya? Kyunki morphological characters jitne hote hain they change with environment. Vegetative characters of plants, vegetative characters change with environment. जैसे जैसे environment में changes आते हैं तो ये vegetative characters भी change हो जाते हैं. इसी तरह से Linnaeus ने mainly और भी other characters consider किए, that is androecium. Androecium that is a male reproductive part, और हम कह लें stamen. स्टेमन के बेसिस पे भी इसने क्लासिफाई किया सी लीनियस ने, और ही गेव 24 क्लासेस ऑफ एंजियोस्पर्म ऑन दैट बेसिस ऑफ एंजियोस्पर्म. बट अगेन द सेम क्राइटेरिया कि इसमें जितने भी ये मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स हैं वो तो चेंज हो जाते हैं, एंड दे आर नॉट श्योर, श्योर करेक्टर्स भी नहीं हैं, और जितने भी डिस्टेंटली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म दे आर ऑर्गेनिज्म्स और प्लांट्स हैं दे आर पुट टुगेदर, बट द क्लोजली रिलेटेड प्लांट्स और एनिमल्स दे आर स्प्लिट अपार्ट, उनको दूर कर दिया गया. तो दीज वर नॉट रिलायबल सिस्टम एंड ऑल दे वर पुट अंडर द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. लेटर ऑन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज गिवन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय सम साइंटिस्ट, और उसमें प्रोमिनेंट कौन से थे, जॉर्ज बेंथम एंड वॉज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डॉल्टन हुकर. ब्रीफली हम उनको बोलते हैं जोसेफ डॉल्टन हुकर. एंड ब्रीफली दे आर दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज प्रपोज बाय बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन, जो कॉमन पॉपुलर नेम है बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रोड्यूस किया गया है अकॉर्डिंग टू दिस सम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के साथ साथ सम ऑफ द अदर करेक्टर्स सच एज इंटरनल करेक्टर्स जैसे एनाटॉमी हो गए, और हम कह लें उसकी फाइटो केमिस्ट्री हो गई, एम्ब्रियोलॉजी, उनकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होती है प्लांट्स में, तो दैट कम्स अंडर एम्ब्रियोलॉजी. इकोलॉजिकल कंडीशंस कि इन व्हाट मैनर दे आर सस्टेनिंग इन एनवायरनमेंट में, कैसे वो सस्टेन कर रहे हैं, और इंटरनल करेक्टर्स जितने भी हैं उनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स, फाइटोकेमिस्ट्री, उनके बायोमोलिक्यूल्स, ऑल दे वर कंसीडर्ड वाइल क्लासिफाइंग दी ऑर्गेनिज्म. ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म. नेचुरल एफिनिटीज मीन्स कि इन व्हाट मैनर ऑर्गेनिज्म्स दे आर रिलेटेड विद ईच अदर. नेचुरल एफिनिटीज को भी
कंसीडर किया गया ऑफ ऑर्गेनिजम्स को एंड दिस वॉज कॉल्ड दी नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. इसको भी नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का नाम दिया गया. बट देयर वॉज सम ड्रॉबैक ऑफ दिस सिस्टम ऑल्सो. ड्रॉबैक क्या थे कि इसमें जिम्नोस्पर्म वॉज प्लेस्ड. जिम्नोस्पर्म्स को किसके बीच में रखा गया? बिटवीन एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स वर प्लेस्ड बिटवीन. एंजियोस्पर्म्स की दो क्लासेस हैं, डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स के बीच में इनको रखा गया. मोनोकॉट्स के बीच में इनको रखा गया. बट राइट क्राइटेरिया क्या है क्लासिफिकेशन का? कि जिम्नोस्पर्म्स दे गिव राइज टू, जिम्नोस्पर्म गिव राइज टू डाइकॉट. एंजियोस्पर्म्स की डाइकॉटनिडन क्लास को एंड डाइकॉट गिव राइज टू मोनोकॉट. एंड दिस इज ए सीक्वेंस ऑफ क्लासिफाई प्लांट एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स. जिम्नोस्पर्म से ही डाइकॉट बने जो कि एंजियोस्पर्म्स थे और मोनोकॉट बने. क्लियर? तो ये तो हम इनके करेक्टर्स अब डिटेल में देखेंगे ही देखेंगे. तो ऑल दीज वर क्राइटेरिया. फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज डिस्कार्डेड जो कि डिफरेंट टाइम्स फ्रॉम टाइम टू टाइम वॉज प्रपोज बाय डिफरेंट साइंटिस्ट. एंड लेटर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज ऑल्सो ए लिटल बिट मोर रिलायबल एज कम्पेयर टू दैट ऑफ आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. लेकिन इसमें भी कुछ ड्रॉबैक थे. तो लेटर ऑन द मोस्ट रिलायबल सिस्टम केम दैट वॉज फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. वो क्या था? तो अकॉर्डिंग टू फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इसमें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म वॉज ऑल्सो कंसीडर. रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स वर कंसीडर्ड. एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स की ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं दे आर रिलेटेड टू बीच ईच अदर. द ऑर्गेनिजम्स दैट आर बिलोंगिंग टू सेम लेवल और सेम टैक्सा दे आर रिलेटेड टू ईच अदर और दे आर हैविंग ए कॉमन एंसेस्टर. कि उनका क्या है? एक कॉमन एंसेस्टर है. ठीक है? तो ये जितने भी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में द मोस्ट रिलायबल सिस्टम था फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो एक ही टैक्सा से बिलोंग करते हैं. ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम टैक्सा हैव कॉमन एंसेस्टर. कि उनके क्या हैं? कॉमन एंसेस्टर्स हैं. उनके कॉमन एंसेस्टर्स हैं. तो इस तरह से ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड टू ईच अदर. मोर ओवर देयर आर सम अदर रिकॉर्ड, सम अदर एविडेंसेस, सम अदर सोर्सेज आर ऑल्सो देयर. सम अदर सोर्सेज आर ऑल्सो देयर टू डिफाइन द क्लासिफिकेशन. कोई दूसरे भी सोर्स आजकल प्रोड्यूस हो चुके हैं जो क्लासिफिकेशन को बहुत एक्यूरेटली डिफाइन करते हैं. तो ये जरूरी भी तब है जब फॉसिल रिकॉर्ड्स नहीं मिलते. व्हेन नो एविडेंसेस और फॉसिल रिकॉर्ड्स आर नॉट अवेलेबल. जब फॉसिल रिकॉर्ड्स नहीं मिलते तब सच काइंड ऑफ डिफरेंट सोर्सेज आर नीडेड. तो इस तरह से बहुत दूसरे सोर्सेज क्या हैं? तो उसमें हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी आपको बताना जरूरी समझती हूँ कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के जो मेन प्रोपोनेंट कौन से थे? एंग्लर एंड प्रांटिल वर देयर. एंग्लर एंड प्रांटिल थे. पख्तेजान वॉज ऑल्सो देयर. एंग्लर एंड प्रांटिल, पख्तेजान और एक और साइंटिस्ट का नाम था जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इन प्रोड्यूसिंग द सिस्टम. हुचिनसन. इन्होंने दे फॉरवर्डेड विद हुचिनसन विद द फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. पहले बेंथम एंड हुकर ने नेचुरल किया था.
लीनियस ने कौन सा किया था, जब उसने मॉर्फोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव करेक्टर्स को एक साइमल्टेनियसली इक्वल वेटेज दी थी, जो कि एक रिलायबल डाटा नहीं था. एंड हिज क्लासिफिकेशन वॉज मोस्टली बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ स्टैमन्स और एंड्रोशियम. क्लियर? तो वो सब तो डिस्कार्ड कर दिए गए थे. फिर फाइलोजेनेटिक आया. फाइलोजेनेटिक में रिलायबल सिस्टम माना गया क्योंकि ऑर्गेनिजम्स दैट वर बिलोंगिंग टू सेम लेवल और सेम टैक्सा हैव ए कॉमन एंसेस्टर, कि दे आर इवॉल्व फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर, ये माना गया. और उसके अलावा नाउ वी सी व्हाट आर वेरियस अदर सोर्सेज दैट आर अवेलेबल दीस डेज. तो उसमें न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, इन विच कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू स्टडी दी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. कंप्यूटर्स यूज किए जाते हैं टू स्टडी दी मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स ऑफ प्लांट्स. जितने भी प्लांट्स हैं और ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए कंप्यूटराइज्ड डाटा आर प्रेजेंट, और उनको भी कुछ स्पेशल कोडिंग सिस्टम दिया जाता है करेक्टरिस्टिक्स को. स्पेशल कोडिंग, सपोज ए कोड इज ए करेक्टर इज प्रेजेंट, इफ ए करेक्टर इज प्रेजेंट देन इट इज गिवन करेक्टर प्रेजेंट देन इट इज गिवन प्लस साइन, प्लस साइन दिया जाता है. एंड इफ ए करेक्टर इज एबसेंट देन इट इज गिवन माइनस साइन, उसको माइनस. और कोई भी डाटा नहीं हो अवेलेबल, डाटा डेफिशिएंट हो तो या पूरा नहीं हो तो उसको जीरो से इंडिकेट किया जाता है. आई मीन टू से सच काइंड ऑफ कोड्स आर प्रेजेंट टू रिप्रेजेंट दी मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स और वेरियस अदर करेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स मेनली प्लांट्स, एंड दे आर मोर टेलिंग मोर एक्यूरेसी, और बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली डिफाइन करती हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स की नेमिंग में और उसकी एक्यूरेटली क्लासिफिकेशन में. तो इसके अलावा सेकेंड आता है हमारा, दैट इज साइटोटैक्सोनॉमी, इन विच स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेनली दी क्रोमोसोम नंबर शेप दियर बिहेवियर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, बिहेवियर ड्यूरिंग द मियोटिक और मियोसिस डिवीजन, बिहेवियर ड्यूरिंग द मियोटिक डिवीजन मेनली को कंसीडर किया जाता है. दैट ऑल कम्स अंडर, इसमें आता है, इट कम्स अंडर साइटोटैक्सोनॉमी. साइटोटैक्सोनॉमी के अंदर वी कंसीडर न्यूक्लियस के जितने भी अंदर क्रोमोसोमल पार्ट्स हैं उनको भी एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया माना गया है वाइल क्लासिफाइंग दी ऑर्गेनिजम्स, तो ये भी माना गया. एंड थर्ड वाज कंसीडर एट दी कीमोटैक्सोनॉमी. कीमोटैक्सोनॉमी के अंदर की जितने भी केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हैं प्लांट्स के, कीमोटैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंगली वॉट वी सी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट्स आर कंसिडर. केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जैसे कि वट आर वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल्स दैट आर प्रेजेंट इन, जैसे कि एल्कोहलिक कंपाउंड हो गए, या हम कह दें उनकी सेल वॉल के कंपोनेंट जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट. ये मैं फार्मूला लिख रही हूँ तो आपको समझ जाना चाहिए कि कैल्शियम फॉस्फेट क्या होते हैं. बींग ए केमिस्ट्री स्टूडेंट ऑल ऑफ यू शुड नो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट क्या होते हैं, और फिनोलिक कंपाउंड्स जितने भी स्मेल प्रोड्यूसिंग कंपाउंड्स हैं, फिनोलिक कंपाउंड्स दैट आर प्रेजेंट इन दीज प्लांट्स, जिसके बेसिस पे हम प्लांट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं. क्लियर? तो ये हमारे एडिशनल सोर्सेज हैं वाइल क्लासीफाइंग दी प्लांट किंगडम. क्लियर? तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्लांट किंगडम ऑफ क्लासीफिकेशन में वट आर वेरियस मेजर डिवीजन. किंगडम प्लांट ही से स्टार्ट करें तो वट आर वेरियस डिवीजन दैट कम अंडर सब डिवीजन, और फिर उनके हम एक एक करके जितने भी मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं और वट एवर आर प्रेजेंट अलॉन्ग विद देयर लाइफ साइकिल्स वो हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो प्लांट किंगडम में जब हम एक ब्रॉडर क्लासीफिकेशन को देखते हैं, एक उसका हम ग्राफ समझने की कोशिश करते हैं, जिसको कि हमने किस तरह से स्टडी करना है, कैसे किस किस तक हमने इसके मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर स्टडीज़ करने हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ वी हैव प्लांट किंगडम, सबसे लार्जेस्ट किंगडम, तो उसमें वी विल दिस डिवाइड दिस प्लांट किंगडम इनटू टू सब किंगडम्स. डिविजन्स कौन से हैं? क्रिप्टोगैमी एंड फेनेरोगैमी. क्रिप्टोगैमी में वी विल बी स्टडिंग द प्लांट्स दैट आर हैविंग सीडलेस, जिनके सीड नहीं होते, फ्लावर नहीं होते, एंड सेक्स ऑर्गन्स आर नॉट विजिबल और नॉट
कॉन्स्पिकुअस, और हम कह लें सेक्स ऑर्गन्स आर इनकॉन्स्पिकुअस, नज़र नहीं आते. इफ दी सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, वो नज़र नहीं आते. और इसके रिलेटेड, क्रिप्टोगैमस के रिलेटेड जो भी इसमें नेक्स्ट इसकी क्लासेस हैं दैट वी विल बी स्टडिंग, फाइलम किंगडम, दीज आर सब किंगडम एंड दीज आर डिविजन्स. डिविज़न हम कौन से पढ़ेंगे? थैलोफाइटा. थैलोफाइटा के अंडर वी विल बी स्टडिंग दी एल्गी, एल्गी. एंड इसमें हमें मालूम है कि एल्गी आर फ्रेश वाटर, मैरीन और ब्रैकिश वाटर. मेनली एक्वेटिक नेचर होती है एल्गी की, और थैलस लाइक स्ट्रक्चर क्यों होता है? दीज आर वेरी सिंपलेस्ट और प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स. प्लांट्स लाइफ में सबसे प्रिमिटिव और सिंपल हैं. देयर इज़ नो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स, कि रूट, स्टेम एंड लीव्स नहीं होती. ओनली थैलस लाइक ऑर्गेनाइजेशन इज देयर, दैट इज़ वाई देयर स्ट्रक्चर इज थैलोफाइटा. और थैलोफाइटा में हमने एल्गी, और एल्गी के अंडर भी वी विल बी स्टडिंग वेरियस इसकी जितने भी सब क्लासेज हैं, जैसे कि क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी एंड फेओफाइसी. वो हमने डिटेल में पढ़नी है, उनके मॉर्फोलॉजिकल फीचर और बेसिक पैटर्न ऑफ लाइफ साइकिल क्या है, कि किस तरह से लाइफ साइकिल उसमें फॉलो करती है. मेनली तो इसमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, और वो कैसे होती है वो हम साथ साथ करेंगे. फिर नेक्स्ट हम क्रिप्टोगैमस में देखेंगे ब्रायोफाइट्स. मोस्ट कॉमनली दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, कि दे आर प्रेजेंट ऑलवेज इन मोस्ट मॉइस्ट शेडी प्लेसेस में रहते हैं. सम आर एक्वेटिक ऑल्सो. तो कौन से एक्वेटिक हैं, कौन से शेडी प्लेसेस में रहते हैं, और वट काइंड ऑफ जनरेशन दे आर रिप्रेजेंटिंग, कि उसमें किस तरह से डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड जनरेशन अल्टरनेट करती हैं, किस तरह से हैप्लॉयड के बाद डिप्लॉयड जनरेशन आती है, और वट काइंड ऑफ लाइफ साइकिल दे आर रिप्रेजेंटिंग, किस तरह की लाइफ साइकिल होती है, वो हम इनमें कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल लेते हुए एक कॉमन पैटर्न ऑफ लाइफ साइकिल देखेंगे. ठीक है. और ऑल दे कम अंडर ए वस्कुलर, दे ऑल किस में आते हैं? ए वस्कुलर, या हम कह लें ए ट्रैकियोफाइट. ए ट्रैकियोफाइट्स का मीन्स दैट इज दे आर डिवाइड ऑफ जाइलम एंड फिलोयम. देयर इज नो डिफरेंशिएशन ऑफ जाइलम एंड फिलोयम, एंड सिंपल अगेन सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर इज देयर. और उसमें भी हमने इनकी ये जो क्लासेस पढ़नी है, हिपेटिकोपसाइडा, एंथोसिरोपसाइडा एंड ब्रायोपसाइडा, इनका एक एक रिप्रेजेंटेटिव मेंबर को कंसीडर करते हुए हम इनका पैटर्न देखेंगे. द नेक्स्ट इज टेरिडोफाइट्स. दे आल्सो कम अंडर क्रिप्टोगैमस, बट दे आर वास्कुलर क्रिप्टोगैमस, या ट्रैकियोफाइट्स भी बोल सकते हैं इनको. ट्रैकियोफाइट्स, ये तो ए ट्रैकियोफाइट्स थे. ए ट्रैकियो मीन्स डिवाइड ऑफ जाइलम एंड फिलोयम, कि इसमें वास्कुलर टिश्यू नहीं है. इनमें प्रेजेंट होता है वास्कुलर टिश्यू, यानी कि दे आर फर्स्ट लैंड प्लांट टू कोलोनाइज ऑन दिस अर्थ. सबसे पहले जो टेरेस्ट्रियल लैंड प्लांट्स थे देवर टेरिडोफाइट्स. ठीक है. और जाइलम फिलोयम वॉज वेरी मच डेवलप्ड, लेकिन दे आर ऑल्सो सीडलेस और फ्लावरलेस प्लांट्स, कि सीडलेस होते हैं और इनमें भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं, इनकॉन्स्पिकुअस होते हैं. तो इसमें ब्रायोफाइट में स्पोरोफिटिक जनरेशन इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफिटिक जनरेशन. वो कैसे होती है, यानी कि स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट जनरेशन क्या होती है, दैट वी विल कम टू नो थ्रू देयर लाइफ साइकिल्स. लाइफ साइकिल से जानने की कोशिश करेंगे. और टेरिडोफाइट्स में स्पोरोफिटिक एंड गैमेटोफिटिक दे आर हैविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, दैट इज़ वाई दे आर हैविंग हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड इन इक्वल अमाउंट. दोनों फेसेस डोमिनेंट होते हैं, ये सब हम इसमें देखेंगे. जाइलोपसाइडा, लाइकोपसाइडा, स्पेनोफसाइडा एंड टेरोपसाइडा, इनकी क्या हैं क्लासेज आती हैं टेरिडोफाइटा के अंदर. जैसे कि इनके डिवीज़न है, तो ये इनकी आगे जो भी क्लासेज हैं दैट आर जाइलोपसाइडा, लाइकोपसाइडा, स्फेनो एंड टेरोपसाइडा, दैट वी विल बी स्टडिंग. तो ये तो हो गए क्रिप्टोगैमस की बात. क्रिप्टोगैमस का मेन करेक्टर क्या था? सीडलेस, कि जिनके सीड्स नहीं होते या फ्लावर्स नहीं होते. सेक्स ऑर्गन्स आर ऑल्सो नॉट विजिबल. और इसमें फेनोगैमस में प्लांट्स विद सीड्स आर प्रेजेंट, जिनमें सीड्स आर प्रेजेंट, फ्लावर्स आर प्रेजेंट एंड सेक्स ऑर्गन्स आर ऑल्सो विजिबल, कि वो नज़र आते हैं. तो ये हाईली इवॉल्व ऑर्गेनिजम्स प्लांट और प्लांट्स आ जाते हैं. तो इसमें वी कैन डिवाइड दैम इन टू टू मेन क्लासेस. कौन सी आती हैं? जिम्नोस्पर्म्स एज वेल एज एंजियोस्पर्म्स. अब जिम्नोस्पर्म्स में भी हम क्लासेस देखते हैं इसकी. ये सॉरी डिविजन्स है, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. एंड जिम्नोस्पर्म्स में अगर हम देखें तो वी विल सी साइकेडोपसाइडा, साइकस इसके अंडर आता है, उसको स्टडी करेंगे. कॉनीफेरोपसाइडा,
दैट वी विल बी स्टडिंग. पाइनस को स्टडी करेंगे, नीटोपसाइडा जिसमें हम नीटम को स्टडी करेंगे, जिनके बेसिक कॉमन करेक्टरिस्टिक्स तो सेम होते हैं, सम ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स डिफरेंट होते हैं, और एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए वी विल बी स्टडिंग ऑल ऑफ देम. और जिम्नोस्पर्म्स वो हैं दैट आर द प्लांट्स विदाउट वॉर्म. विदाउट वॉर्म मीन्स जिनमें ओवरी एब्सेंट होती है और ओव्यूल्स आर नेक्ड, ओव्यूल नज़र आते हैं. सीन्स आर सीड्स आर ऑल्सो नेक्ड, वो भी नज़र आते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन. तो इसलिए इनको जिम्नोस्पर्म्स को हम कहते हैं दीज आर प्लांट्स विदाउट वॉर्म. वॉर्म मीन्स जस्ट लाइक द ओवरी वी कैन से. वॉर्म इज इक्वलेंट टू यूटरस, और इनके अंदर वी विल रिप्लेस द यूटरस विद ओवरी. ओवरी हम कह सकते हैं कि ओवरी एब्सेंट होती है, ओनली ओव्यूल्स नज़र आते हैं उनके स्पोरोफिल्स के ऊपर, मेगास्पोरोफिल्स के ऊपर. और उसके अलावा व्हेन दी ओव्यूल्स आर फर्टिलाइज्ड, ओव्यूल्स के अंदर जब एग में फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ओव्यूल आर कन्वर्टेड इनटू सीड्स, सीड्स आर आल्सो विजिबल, वो भी नज़र आते हैं. तो इनकी भी हम ब्रीफ में एक जनरल अकाउंट पढ़ेंगे अलॉन्ग विद मॉर्फोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स विद देयर लाइफ साइकिल. एंड देन प्लांट्स में आते हैं एंजियोस्पर्मिक फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें ओवरी इज प्रेजेंट विद वॉर्म्स. Ovaries present, seeds are closed, enclosed. Ovules are enclosed. They are not visible. ठीक है, वो नज़र नहीं आते, they are closed. ठीक है. और एंजियोस्पर्म्स के अंदर हमें दो क्लासेस कौन सी पढ़नी है, जैसे कि डाइकॉटलीडंस एंड मोनोकॉटलीडंस, दैट वी विल बी स्टडिंग इन डिटेल. और एंजियोस्पर्म्स तो हमारा बहुत लंबे समय तक चलते रहने वाला है, क्योंकि इसको हमने ट्वेल्थ में भी स्टडी करना है. क्लियर. तो दिस इज रिगार्डिंग द प्लांट किंगडम. नाउ वी स्टार्ट विद प्लांट किंगडम में क्रिप्टोगैमीज के अंदर, थैलोफाइटा के अंदर वी विल बी स्टार्टिंग विद एल्गी. एल्गी के डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स कॉमन कौन सी हैं, फिर वो कितने में डिवाइड, कितने ग्रुप्स में उसका फर्दर डिवीजन किया गया है, दैट वी सी नाउ.